हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बायोलाइट। मैं हूँ आकांक्षा सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग लीथल जीन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लीथल जीन क्या है, लीथलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, और जो लीथल जीन है ये इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, पेनिट्रेशन के बेसिस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि डोमिनेंट जो इनके टाइप्स हैं, डोमिनेंट, रेसेसिव और एक और मैंने बताया था आपको कंडीशनल लीथल, आज इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंट लीथल क्या है। डोमिनेंट लीथल, डोमिनेंट जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तब जो लिथलिटी शो करती है वो डोमिनेंट लीथल में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई जीन है डोमिनेंट जीन, ये जब होमोजाइगस कंडीशन में, ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये होमोजाइगस, अगर ये होता तो ये हेटरोजाइगस था। पर जब डोमिनेंट जीन, ये आपका डोमिनेंट जीन है ठीक, ये जब होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तब डोमिनेंट लीथल कॉज करेगा, एक्सप्रेस करेगा, यानी कि ये जब होगा तभी जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक क्रॉस कराया गया था क्रीपर चिकन के ऊपर, क्रीपर लीथल इन चिकन, मतलब कि ऐसे चिकन थे जो कि जिनके क्रीपिंग लेग्स थे, जो क्रीप करके चलते थे। तो इन इंडिविजुअल्स को जब क्रॉस कराया गया था तो हमको जो प्रोजेनी मिली उसमें तीन तो ऐसे मिले, तीन तो अच्छे खासे जो सर्वाइविंग थे, यानी कि एक कंडीशन हमको ये मिली और एक कंडीशन रेसेसिव वाले मिली। तो जो रेसेसिव वाले थे वो नॉर्मल चिकन थे ठीक, और ये हेटरोजाइगस वाले, ये क्रीपर लेग्स वाले चिकन मिले। बट जो ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाली कंडीशन थी ये लीथल जीन की थी, यानी कि ये जो इंडिविजुअल थे ये डेथ कर गए थे, ये नॉट सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स थे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल था जो क्यूनेट का एक्सपेरिमेंट था माइस कोट कलर पे, वो भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट होमोजाइगस। तो जब भी ये डोमिनेंट जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर है तो यहाँ लिथैलिटी कॉज कर रही है, यानी कि ये इंडिविजुअल या तो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ कर जाएंगे, किल कर जाएंगे, या फिर जस्ट आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जब इनकी डेथ हो गई है तो ये इंडिविजुअल्स सामने ही नहीं आए, दिखाई ही नहीं दिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो रेशियो था वो रेशियो क्या आया, 2:1 का। ठीक, और हमारा मेंडेलियन रेशियो क्या था, 3:1, जो कि यहाँ अब ये मॉडिफाइड होकर के आ गया 2:1 का। ये था आपका डोमिनेंट लीथल। नेक्स्ट देखते हैं रेसेसिव लीथल को। देखिए, रेसेसिव लीथल क्या होता है कि जब भी रेसेसिव जीन, कोई भी रेसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा तो लिथैलिटी शो करेगी। ठीक है, तब ये लीथल जीन बन जाएगा, यानी कि तब ये जो है ऑर्गेनिज्म की डेथ करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये आपका रेसेसिव जीन है ठीक, और ये होमोजाइगस कंडीशन में है। अगर ये ऑब्टेन हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ, रेसेसिव जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में आया तो ये लिथैलिटी को कॉज करेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए, एक एग्जांपल है स्नैपड्रैगन का, आर्टेरिनम मेजस एक प्लांट है, उसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग ऑरिया को दो इंडिविजुअल्स, ऑरिया के दो इंडिविजुअल्स को जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हमको इस तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती है। देखिए, जब भी ये जो होम यहाँ पर अब जो ये डोमिनेंट होमोजाइगस की कंडीशन जब आई तो यहाँ पे ग्रीन कलर प्रोड्यूस हुआ, और जो हेट्रोजाइगस की कंडीशन आई तो आपको ऑरिया कलर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, डोमिनेंट पर तो ग्रीन कलर मिला, फिर यहाँ हेट्रोजाइगस पे आपको ऑरिया मिला, लेकिन जब रेसेसिव की कंडीशन आई, रेसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन आई तो यहाँ पर ये लीथल जीन शो कर गया, यहाँ पे लिथलिटी का ये अपने आप को एक्सप्रेस कर गया, यानी कि ये इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, इस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, ये जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ये देखा गया था। तो रेसेसिव लीथल यही है कि जो रेसेसिव जीन है ठीक है,
रिसेसिव जीन ये जब होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे तब यहाँ लिथेरिटी शो करेगी, ठीक। और डोमिनेंट में क्या था, जब डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ रहे थे तब लिथेरिटी शो कर रही थी, यानी कि तब ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे। लेकिन रिसेसिव में, जब रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में है तब ये लिथेरिटी शो होगी यहाँ पर, और तब ये इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर भी सेम वही 2:1 का रेशियो मिला हमको, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो था ये प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा था, तो रेशियो हमको सिर्फ इतना ही मिला, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई। देखिए, एक इस रिसेसिव लीथल से एक डिजीज भी होती है, एक डिजीज है आपकी टे-सैक डिजीज। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए होता क्या है। ये जो टे-सैक डिजीज है, एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, ठीक। कोई एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मान लीजिए एंजाइम ए प्रोड्यूस हो रहा है, ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए ये एंजाइम बहुत जरूरी है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन इस एंजाइम को जो कोड कर रहा है वो कौन, इसको इस एंजाइम को कोड कौन कर रहा है, इसको कोड कर रहा है डोमिनेंट एलील, ठीक है। इस एंजाइम को डोमिनेंट एलील कोड कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब भी जो रेसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन बन रही है, यानी कि जब रेसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन बनेगी तब क्या होगा कि ये एंजाइम प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा था। कैसे, हमें पता है कि इसको डोमिनेंट एलील कॉज कर रहा है, सॉरी प्रोड्यूस कर रहा है, तो या तो ये कंडीशन होगी तो ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा, फिर ये कंडीशन होगी तो भी, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तब यहाँ पर ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब ये कंडीशन होगी तो ये एंजाइम प्रोड्यूस हो पाएगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको कोड कौन कर रहा है, इस एंजाइम को डोमिनेंट एलील कोड कर रहा है। इस वजह से डोमिनेंट एलील के एब्सेंस में जब भी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन हो जा रही है तो ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तो इसकी डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज जो है ह्यूमन में हो जाती है, टे-सैक डिजीज, ठीक। ये था आपका रिसेसिव लीथल। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल लीथल। देखिए, कंडीशनल लीथल क्या होता है कि यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो उनमें जो लिथेलिटी है वो एक्सप्रेस करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है उनके क्लाइमेटिक कंडीशन पे, ठीक है, या फिर जो जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं उनके उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ये अभी आराम से किसी जगह पे वो सर्वाइव कर रहा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, अगर हम उसका रूम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर, जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है तो ये सर्वाइव कर रहा है, अगर हम इंक्रीज कर दिए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया, हैबिटेट चेंज कर दिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज कर दिए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको हम किसी बंद कमरे में रख दिए, आप वहाँ पर एक दिन रहे, दो दिन रहे, तीसरे दिन आप नहीं रह पाए, आपको सफोकेटिंग होने लगा, ठीक। तो ऐसी ये चीज़ है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला है उसको, ड्रोसोफिला जो फ्लाइज है वो नॉर्मली 16.5 डिग्री टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा था, ठीक है। ड्रोसोफिला की बात करें तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है आपका 16.5, ठीक है, इस पर ये सर्वाइव कर रहा था, इस पर ये क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करके कर देते हैं 25 डिग्री, ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया तो ये जो स्पीसीज थी ये सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक। यही है कंडीशनल लीथल कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस यहाँ पे नॉर्मल इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ लिथेलिटी कॉज कर गई, ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई, डेथ हो गई इनकी लीथल जीन की वजह से। तो लिथेलिटी कभी कभी कंडीशनल पर भी डिपेंड करती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज कर दें तो वहां पर लिथेलिटी कॉज कर जाएगी। यही चीज थी। तो आई होप आपको ये लिथेलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।